Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th, class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed a lots of the important topic, and we discussed the first few accounting concepts. And you can see that all those concepts which guide us to how we will record the transactions in the books of account, as well as ये सारे जो concepts हैं, principle हैं, ये हमारे accounting में बहुत ही base का काम करते हैं. इन्हीं की help से कहीं ना कहीं हम अपने books of account में होने वाले transactions को record करते हैं, interpret करते हैं, classify करते हैं, summarize करते हैं, communicate करते हैं. यानी पूरा होल अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है. यानी एक तरह का ये गाइडेंस का काम करते हैं, और इनके गाइडेंस के बिना हम कोई भी करेक्ट अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते. सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तरह का जनरल गाइडलाइन है जो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है. सो नाउ आज हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मैचिंग कॉन्सेप्ट. बट बिफोर दैट आई विल टेल यू कि हम इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के पढ़ने के साथ साथ जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए उनको रिवाइज भी करेंगे. सो ये बात याद रखिएगा. सो पहला हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, that is a matching concept. Naam se clear hai, what is matching concept? Matching concept means कि जब भी हम इनकम और एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है इनकम और एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का? टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इन इनकम और एक्सपेंस के जो पीरियड है, जो टाइम है, वो लगभग क्या होनी चाहिए, सिमिलर होने, लगभग क्या होने ही चाहिए. मैचिंग कॉन्सेप्ट का कहना यही है कि देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड. प्लीज नोट डाउन, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, determining the net profit, यानी जब हम net profit calculate करते हैं, in determining the net profit, all costs which are applicable to revenue, revenue of the period should be should be charged against that revenue, which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Basically, इस concept का ये कहना है कि जब भी हम किसी भी year का profit and loss calculate करें, किसी भी year का, मान लीजिए 2020 का हम profit and loss calculate कर रहे हैं, तो net profit calculate करते समय all costs which are applicable to revenue, जो cost हम revenue पे charge कर रहे हैं of the period, should be charged against that revenue. मतलब उसी पीरियड का कॉस्ट होना चाहिए और उसी पीरियड का क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए. बेसिकली अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. कॉस्ट मतलब एक्सपेंस. तो अगर रेवेन्यू आपका 2020 का है, तो कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, 2020 की होनी चाहिए. तभी हम जाके एक करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द ईयर 2020. सो 2020 का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए
हमें 2020 की रेवेन्यू और 2020 का कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ये देखते हैं आप मैच कर रहे हैं रेवेन्यू विद द कॉस्ट, दोनों में मैचिंग। मैचिंग कैसे, क्योंकि दोनों के पीरियड क्या है, सेम है। द सेकेंड विल बी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सेकेंड क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन, शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब ये होता है, यहां से आप दो चीज समझ सकते हैं। जैसे आप देखते हो सब्जेक्टिव मैनर, सब्जेक्टिव मैनर मतलब पर्सन टू पर्सन उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शंस जो हैं, अगर हम एक्स के साथ कर रहे हैं और वाई के साथ कर रहे हैं, तो एक्स का ट्रांजेक्शन भी एज इट इज उसी तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे वाई का रिकॉर्ड हो रहा है। यानी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते समय हमें ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए, यानी एक रूल को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, तब ईच ट्रांजेक्शन, ये लिखा हुआ है इसमें, ईच ट्रांजेक्शन शुड बी, जो हर ट्रांजेक्शन है, ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाई, सपोर्टेड बाई वेरीफाइएबल, वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। जो हर ट्रांजेक्शन होने चाहिए उसके पीछे वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स भी क्या होने चाहिए, लगे होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए दोनों। So you can say that what is the objectivity concept? Objectivity concept says that कि जो भी हम books of account maintain कर रहे हैं उसमें जो भी transactions record कर रहे हैं वो सब किस manner में होनी चाहिए, objective manner में होनी चाहिए। हर transaction एक proper verifiable documents and vouchers के साथ क्या होना चाहिए, support होना चाहिए। सपोर्ट होने का मतलब है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसके पीछे वाउचर्स हैं, लेकिन वाई के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके साथ वाउचर नहीं है, या उसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी तरह का कोई प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यू कैन सी दैट जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं या एविडेंस को शो करते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को शो करते हैं तो उसमें फुल डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या होनी चाहिए, शो करनी चाहिए टू ऑल द रिलेवेंट यूजर्स। सो व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मस्ट बी disclosed। यानी कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें तो वी हैव टू फॉलो द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जिसका कहना है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी पोजिशन क्या है,
बिजनेस की सेल्स के साथ कैसा बिहेवियर है सारे एलिमेंट्स का, ये सब कुछ हमें बताना होगा टू द रिलेटेड यूजर्स. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस. द नेक्स्ट विल बी नंबर 4 इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. बेसिकली जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन. इसमें ये कहता है कि सिग्निफिकेंट में भी ये देखो कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सुटेबल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लिखा. वो कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. फुल डिस्क्लोजर मतलब कहता है ऑल सिग्निफिकेंट, और ये कहता है ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन बताइए. आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, नॉट बी डिस्क्लोज्ड. यानी वो आइटम्स जो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाते हैं, जिनका हमारे डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, उन इन्फॉर्मेशन से हमारे हमारे बिहेवियर में, हमारे चीज़ों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट. उनको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना नहीं चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. द आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ. That is a very important concept for us, conservatism concept. ये बहुत important concept है, conservatism concept, जिसे हम prudence भी बोलते हैं, prudence. ठीक है, prudence कहते हैं, PRUDENCE, prudence. स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये किस बेसिस पे है? पॉलिसी ऑफ क्लेम सेल. जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है ये बोलता है पॉलिसी ऑफ क्लेम सेल, यानी हमें सेफ खेलना चाहिए. ऐसा क्यों? इस कॉन्सेप्ट का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जब इसके चीज़ों को समझ जाएंगे, जब इसके पॉइंट्स को समझ जाएंगे, तो आप खुद कहेंगे द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. ये एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव खेलने की तरफ हमें क्या करता है, गाइड करता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस must be recorded in books of account. यानी all anticipated, मतलब जो लॉस होने वाला है, हो सकता है, जो हो सकता है, उन सारे लॉसेस को हमें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने books of account में. whereas All anticipated or unrealized gain, जो anticipated या unrealized gain, मतलब वो gain जो अभी हुआ नहीं है, anticipate है कि हो सकता है, all anticipated and unrealized gain should be ignored.
should be ignored. So what is conservatism concept? Conservatism concept ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लेइंग सेफ पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए. प्लेइंग सेफ पॉलिसी का मतलब है कि हमें अगर कोई लॉस दिख रहा है, आज हम खड़े हैं और आज से 2 साल 3 साल 10 साल बाद हमें कोई लॉस दिख रहा है तो उस लॉस के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए. वेयर एज अगर हमें आने वाले समय में प्रॉफिट दिख रहा है या प्रॉफिट मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसे तब तक नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए जब तक कि वो हमारे पॉकेट में ना आ जाए, जब तक वो रियलाइज ना हो जाए. सो इसको नोट डाउन करिए. हम लोगों ने अभी 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं. पहला मैचिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, थर्ड है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और लास्ट में पढ़ा भी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स. द नेक्स्ट type of the concept is accounting period concept, and before that we will discuss the 5 concepts. So this is the second 6th concept of today's session is accounting period concept. What is accounting period concept? Please listen carefully, you know very well. According to going concern concept, जो life होता है business का वो indefinite period चलता है. उसकी life जो होती है वो decide नहीं होती है, expiry time decide नहीं होती. तो अगर आप यू कैन सी दैट कि अगर बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, बिजनेस की लाइफ डिसाइड नहीं है, तो हम उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे. सो फॉर द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द बिजनेस हमने ये डिसाइड किया कि अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया जाएगा और उस पीरियड में उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उनके पोजिशन के बारे में हम एनालाइज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. So what is accounting period concept? According to this principle, the life of business is divided into multiple small period, जो जनरली किसमें होता है 12 months का होता है, that is 12 months multiple small periods to determine the profitability profitability of business. So basically what is accounting period concept? Accounting period concept का कहना है कि business की जो life है जो pre-decided नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, एक 12 महीने का एक interval decide करते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड इन द मल्टीपल स्मॉल पीरियड या मल्टीपल स्मॉल इंटरवल्स, जो कितने महीने का होता है 12 महीने का होता है, और हर 12 महीने के हम क्या करते हैं अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस का पोजिशन कैसा है, बिजनेस के एसेट्स कितनी हैं, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. क्लियर? और इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में आ गया है कि बेसिकली 2 तरह के ईयर हम लोग फॉलो करते हैं, एक कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और दूसरा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं. जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा, कैलेंडर ईयर कब से कब तक का होता है, 1 January to 31st December और
ईयर्स फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च। इसको नोट डाउन कर लीजिए। द नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड। एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच, यानी एसेट्स को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस, उस प्राइस पे एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एसेट्स को उस प्राइस पे या उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे हम इसको परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट खरीदा, तो एसेट का सबसे पहला क्या प्राइस होता है? परचेज प्राइस, जिसमें हमने उसको परचेज किया, ठीक। प्लस परचेज प्राइस के साथ उसमें हम क्या करते हैं, उसे हम जिस जगह से खरीदे उस जगह से वहाँ तक लेकर आते हैं जहाँ हमें उसे यूज करना है, ठीक है। ऐसे जनरली हम उसी लिए परचेस करते हैं, यूज़ करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए या सेल के। तो परचेस किया प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस अगर उस एसेट्स को यूज़ करना है, उससे प्रोडक्शन करना है, तो हमें उस एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल के लिए बंदे को बुलाना पड़ेगा, एक पर्सन को बुलाना पड़ेगा। सो क्या हो गया इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो बेसिकली यू कैन सी दैट किसी भी एसेट की एक्यूरेट कॉस्ट निकालने के लिए 3 पॉइंट्स को उसमें क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 8 विल बी अ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शंस हैव अ टू इफेक्ट। यानी हर ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ता है? 2 इफेक्ट। और हर 2 इफेक्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? 1 by 1 रिकॉर्ड करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन एवरी ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजेक्शंस एटलीस्ट अफेक्ट 2 अकाउंट्स। एवरी ट्रांजेक्शंस affects at least two accounts। कहता है हर ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं? एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इफ 1 अकाउंट अगर एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं सो एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड। सो एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड। Note down, it is very important concept for us, that is a due aspect concept. Now we are moving to the next concept, is revenue recognition concept. Next will be a revenue recognition concept. So what is revenue recognition concept? Revenue recognition concept says that
कि when revenue is to be recognized, हमें कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट का तो ये कहना था कि भैया जब भी आप सेल कर दिया, जब भी आपने सेल कर दिया, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या करता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा अलग बात करता है। इसका कहना ये है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, revenue recognition determines the time and particular period which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title of ownership has been transferred to the purchaser. इसमें लिखा हुआ है revenue is deemed to be realized. आपको ये मान लेना चाहिए कि revenue आपकी realized हो जाएगी, deemed to be realized when the title or ownership, when the title or ownership of goods have been transferred. इट मीन्स ये कहना है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है, जैसे हमने कोई सामान बेचा तो बेचते टाइम हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगी जब हम ये कह लें कि यस नाउ द ओनरशिप, नाउ द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर। यानी मैंने अपना गुड्स का जो मेरे पास टाइटल था मैंने उठाकर उसको दे दिया, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो हम ये मानेंगे कि रेवेन्यू क्या हो गई, रिकॉग्नाइज हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द 9th रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा बाकी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का कहना था कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा तो हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी करेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम पूरे लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, एक एक साल के पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं, और हर साल क्या करेगा, बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, ठीक है। सो दिस इज एन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें दो ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी एसेट्स को हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं एट द प्राइस विच इज एक्वायर्ड, मतलब उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने उसको एक्वायर किया है। ड्यू रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन क्या करता है, 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, जिसमें 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, यानी जिसमें एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट का कहता है कि हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज या मान लेना चाहिए कि हमको मिल जाएगी, जब किसी भी गुड्स की टाइटल या ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। सो नोट डाउन, सो बेसिकली ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस भी हैं, अगर आप बुक देखेंगे ओपन करके तो उसमें कुछ इक्वेशंस भी आपको दिखेंगे, उन इक्वेशंस को बता देते हैं। बेसिकली यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यू कैन सी दैट कि हर ट्रांजेक्शन को क्या इफेक्ट करता है, 2 एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, कम से कम 2 एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, जिसमें एक को हम क्या करते हैं, डेबिट, और दूसरे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर, ठीक। लेकिन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आखिर ये 2 चीज़ों की बात करता है, हर ट्रांजेक्शन, जैसे अगर हमने गुड्स परचेस किया, सपोज आई एम द परचेस ऑफ द गुड्स, सो मेरे ही फाइनेंशियल पोजिशन में 2 चीज़ें इफेक्ट होंगी कम से कम, एक गुड्स आएगा, दूसरा कैश आएगा। यानी 2 पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 2 कॉम्पोनेंट को वो इफेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, उन अकाउंटिंग इक्वेशंस को ध्यान से देख लीजिए और अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बेसिकली ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल, ये बेसिक हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, और भी तरह के अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करते हैं, जैसे लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एंड द लास्ट विल बी योर एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। तो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड कॉमन अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे हमें अब नहीं, अब इसको भूलना ही नहीं, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग हो गई। ये इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ द डिवेस्ट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज एन डबल इंटरेस्ट सिस्टम। प्लीज नोट डाउन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।